तो दोस्तों अपाची राइडर 162B BS6 में फास्ट गियर में कितना किलोमीटर चल सकता है ये गाड़ी, तो हम देखेंगे आज। अपाची राइडर 162B BS6 का जो न्यू मॉडल आया है उसमें RPM फ्री है, मतलब RPM आप जहाँ तक जा सकते हो फ्री है। तो लेकिन BS6 का जो पहला मॉडल है इसमें RPM लॉक किया है, तो ये 10,500 के आसपास आके RPM लॉक हो जाता है और गाड़ी पे 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 ऐसे करते हैं। तो हम आज देखेंगे फास्ट गियर में कितना किलोमीटर दौड़ सकती है गाड़ी, कितना किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकती है फास्ट गियर में और सेकंड गियर में, तो देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों मैं फास्ट गियर लगा लिया मैंने, तो फास्ट गियर में लाते हैं गाड़ी को, अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फास्ट गियर में कितना किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकती है। तो 39 किलोमीटर फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में 65-66 ऐसा। अभी थर्ड गियर लगा लिया मैंने, थर्ड गियर में देखते हैं 85-88। तो थर्ड गियर में 88, फर्स्ट गियर में 39 किलोमीटर पर आवर, सेकंड गियर में 65-66 ऐसा पहुंच जाता है। BS6 का जो न्यू मॉडल आया है उसमें RPM पूरा का पूरा फ्री है, मतलब आप जितना दूर खींच सकते हो, मतलब BS6 का जो न्यू मॉडल है उसमें अलग ही मज़ा है, पावर भी अच्छा है और उसका टॉप स्पीड भी अच्छा है, 130 तक पहुंच जाती है टॉप स्पीड फास्ट सर्विस के पहले ही। और अगर आप अपाची लेना चाहते हैं तो BS6 का जो न्यू मॉडल आया है उसको ही खरीदिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा एडवांस फीचर्स है, जैसे ब्लूटूथ नेविगेशन ऐसा कुछ फीचर्स है। हाँ, और उसमें आपका RPM भी लॉक नहीं है, RPM फ्री है, मतलब गाड़ी का एक्सेलरेशन टॉप स्पीड बहुत अच्छा जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना, मैं और भी ऐसे ऐसे अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव ए गुड डे।